ये तो हमारे हाथ में नहीं था डिसीजन, ये बिग बॉस ने खुद इनविटेशन भेजी और हमने बोला ऑफ कोर्स हम आएंगे, कब आप बताइए कब आए। मुझे पता नहीं था कि हमारे लिए एक इनविटेशन आएगी और ये बहुत ही अच्छा हुआ बिकॉज आई थिंक सब सदस्यों को फैमिली को मिलने की ज़रूरत थी। 3 हफ्ते बचे और बहुत कुछ झेल लिया उन्होंने, सो दे've बीन थ्रू सो मच इमोशनली एंड कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आउटसाइड दुनिया से, दुनिया में, सो इट वॉज इम्पोर्टेंट। ओह रियली, आई डिडंट नो दैट। वेल आई थिंक अगर बच्चे थोड़े बड़े होते वो बोल देते कि सिर्फ बच्चे जाएंगे या वाइफ जाएगी, लेकिन ये है इतने छोटे सो वो अकेले तो नहीं जा सकते, इसलिए मुझे जाना पड़ा साथ में। मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस दिस एज दैट वी गॉट टू गो टुगेदर इनसाइड द हाउस। मैं चाहती थी कि केवी थोड़ा मोटिवेट हो जाए, यू नो आई थिंक बहुत हार्ड है एंड वो बहुत इमोशनली अटैच्ड है बेला वियाना से। ही केवी इज़ अ फैमिली मैन, यू नो पहले दिन से बच्चों को संभालते आए, ही टेक्स केयर एंड इतना केयर करते कि he will take care both of them, breakfast banayenge taki main thoda rest kar lu, main thoda so sakun, so he is that level you know of a father and he does such a great job at home and he's so used to routine, unki aadat hai subah uthna and kabhi kabhi main soti hu, I like to sleep in, so wo jaldi uth jate hain, babies ka breakfast banate hain, unko niche darbar park pe le jate hain, so aur raat ko unko jaldi sona acha lagta hai, main late jaati hu so tab main sambhal leti hu, hamara ek यू नो ऐसा रूटीन है जो बहुत यू नो थोड़ा ख़राब हो गया जब वो चले गए, क्योंकि मैं थोड़ी अकेली पड़ गई और मैं भी उनकी कमी बहुत महसूस करती हूँ बिकॉज यू नो बिसाइड्स अ हस्बैंड आई नीड हिम एज अ फादर, वी लव डूइंग दीज थिंग्स टुगेदर, हमें बहुत ही अच्छा लगता है हम साथ में सब कुछ करें, क्योंकि हमने कोई नैनीज मेड्स नहीं रखे, हम खुद संभालते हैं बच्चों को, सो आई थिंक वो बहुत मिस करते कि सुबह उठते हैं तो मेरी फैमिली कहाँ है, सो आई थिंक ये अच्छा था कि हम अंदर गए तो उनको थोड़ा मोटिवेट किया। मैंने पहले दिन से उनको देखा कि बहुत स्ट्रांग बनते आए हैं बिकॉज जैसे वो थे, उनकी आदत है कि सबको फर्स्ट करना, ही पुट्स एवरीवन अहेड ऑफ हिमसेल्फ, बहुत ही हैज अ वेरी बिग हार्ट, ही इज़ वेरी फॉरगिविंग नेचर, ही इज़ वेरी काइंड टू एवरीवन एंड दैट्स व्हाई आई थॉट दैट इफ ही कैन यूज़ दैट फॉर हिमसेल्फ, के पहले खुद को पहले डालो, पुट योरसेल्फ फर्स्ट, he has a very good chance of winning the show because he's been a good task performer and unhone andar bhi bahut acche relations banaye sabke sath, aur jab main gayi thi main sabko bola bhi hai ki main sabko har ek sadasya ko dekha hai kv ki achhai bolte, aur deepak thoda dar bhi gaya tha, said mujhe pata hai ki jab aap akele mein baithe the roman ke sath aapne kv ke bare mein kya bola tha ki wo ladka heera hai, banda bahut sahi hai, एंड सो उनको उसने बोला, उसका एक्सप्रेशन था ओ, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, बट मैं सबको यही बोला था वन एट अ टाइम कि मैंने आप सबको देखा के वी के अच्छाई अप्रिशिएट करते और उनके साथ उनको प्यार दिखाते, सो आई लव एवरीबडी फॉर दैट। और यूँ कभी अगर फिनाले हो तो फिनाले में यही तो मज़ा होगा, यू नो तो कुछ राइवल्स है जो कभी दोस्त है कभी नहीं दोस्त है, आई थिंक शो के बाद तो दोस्त रहेंगे बिकॉज वो क्या है, अगर एक यू नो अगर कोई बिल्कुल इंसान की कदर ही नहीं करता तो उसके बारे में बात भी नहीं करता, जब बैठे श्री केवी के बारे में बात करता है, केवी श्री के बारे में बात करता है, इसका मतलब है कि इन दूसरों के लिए प्यार है, इमोशन है, सो आई थिंक दे वुड बी अ वंडरफुल फिनाले टू सी केवी श्री एट द टॉप। कुछ नहीं खाया हमें तो, मुलाकात हुई कुछ 20 मिनट के लिए हम अंदर थे, हमें तो चाय का कप भी नहीं पूछा बिग बॉस ने और या और जब दीपक के फादर थे उनको तो चाय भी मिली, मुझे तो ये भी नहीं मिला, बट दैट्स ओके, हमें केवी को मिलने का मौका मिला, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू मी एंड बहुत मिली, मैं बिग बॉस की शुक्रगुजार हूँ कि ये भी ये मौका हमें दिया वो ना, क्योंकि वो बिग बॉस देखते हैं, लड़ाई वगैरह नहीं देखने देते, सो अदरवाइज एपिसोड्स देखते, क्योंकि वो ही तो उनका एक मौका है डैड को मिलना, उनको लगता है कि डैड हमें सुन सकते हैं, सो टीवी पे बातें करते और बुलाते और खुद के बारे में बताते हैं, देखो यू नो नैन स्क्रैच मी, उनको पता नहीं कि डैड को नहीं सुनाई दे रहा, सो जब सबको देखते उनको, उन्होंने सबको अपना लिया है, एवरीडे उनको देखते हैं, ऐसे मेरे कोई रियल लाइफ में दोस्त नहीं है जो सब एवरीडे मिलते हैं जैसे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स मिलते, सो जब वो घर के अंदर गए थे उनको लगा कि हम सबको जानते हैं, सो उन्होंने अंदर आके देखा सब फ्रीज में थे और देखा हे दीपक, सोमी देखी थी, दीपिका नहीं बोल सकते तो उसको दीपा बोलते हैं और हर कोई लड़की को मासी बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए, सो उन्होंने बोला दीपा मासी एंड शीशांत,
सो वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको लगा हमें अपने दोस्त मिले हैं कि अपनी फैमिली मिली है. एंड आई थिंक दैट्स टेरिफिक यू नो कि अगर हम गए काफ़ी सारी बैशिंग वगैरह एक दूसरों से होती है यू नो सलमान सबके केस लेते हैं वीकेंड के वार पर. सो अगर हम गए हमने सोचा कि हम थोड़ा मूड ब्राइट करेंगे और बच्चों ने तो क्या उनको सिखा तो नहीं सकते, उन्होंने खुद ही अपने अपने तरीके से सबका दिल जीत लिया, सबका मूड अच्छा कर दिया. यू नो सब जितने जब मन लगाते क्या नहीं अच्छा करते वो बहुत ही आई थिंक टास्क में से एक केबी और दीपक दो है जो बहुत ही अच्छा टास्क खेलते हैं. दे रियली टेक इट सीरियसली कि ये टास्क है और हमें जीतना है एंड एक अच्छा कंपेटिटिव स्पिरिट है. एंड मैंने देखा जब केबी अगर चाहे सुल्तानी अखाड़ा हो या अगर कोई और जीत जाए सबसे पहले केबी बोलता है कंग्रेट्स वेल डन, किसी का हैंड शेक करता है, किसी को हग करता है. एंड आई थिंक यू नो टू बी एबल टू हैंडल लूजिंग ग्रेसफुली ये बहुत बड़ा स्किल है कि इट्स अ साइन ऑफ गुड स्पोर्ट्समैनशिप. एंड वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आई फील सो प्राउड ऑफ हिम कि यू नो कभी हार मानने की वजह से खुद अपना एटीट्यूड हार नहीं चाहते. आई लव मैंने यू नो मैंने एक रियल इंसान देखा है. अगर कोई कहे कि मैंने अपने सब रूप दिखाए, मैंने गुस्सा दिखाया, अपनी हंसी दिखाई, अपनी मस्ती दिखाई, मैंने अपना रोना दिखाया, ये स्क्रीन टेस्ट नहीं है कि ऑडिशन दो हर इमोशंस दिखाओ. यू नो जैसे हम हैं वैसे हम दिखेंगे और कैसे के भी जैसे है वो बाई नेचर शांत है, लविंग है, काइंड है, ही ट्राइज टू कीप गुड रिलेशंस विद एवरीबडी. एंड इसलिए हर एक इंसान जो घर के बाहर आता है हमारे घर आते हैं. शिव आए थे यहाँ, सृष्टि आई थी, अनूप जी भी घर आए थे, रोशनी आई थी और सब ने ये बोला. और शिव ने बोला कि जसलीन पूछ रही थी कि टीजे का नंबर मैं ले सकती हूँ, मैंने बोला जरूर दे दीजिए. सो आई लव कि जो भी बाहर आता है मुझे केवी की तारीफ सुनने को मिलता है. आई मीन दे टेल मी गुड थिंग्स अबाउट हिम that what a great human being he is, or that's a good thing for me because according to that KV is already a winner for me. I think unhone apni you know bahut qualities dikha di. Pehle I think kisi ko yakeen nahi tha ke itna acha ho sakta hai kehne. Aur duniya ko aadat ho gayi logon ko fake bolne ki. Agar you know ek din fake hoga, do hafte fake hoga, do mahine tak, dhai mahine tak, almost 2 months tak koi banda fake nahi reh sakta. Agar wo acha hi dikhega. एंड आई लाइक दैट जब कुछ गलत करता है अपोलोजाइज कर लेता है, अपनी गलती भी मान लेता है. एंड ये भी दैट्स अ गुड साइन ऑफ अ गुड रोल मॉडल. एंड अगर विनर हो ऐसा होना चाहिए जिसने स्ट्रगल किया, एक ग्राफ दिखाया, कोई अच्छा था, कभी गलती भी की पर गलती को सुधारा, रिश्ते को भी सुधारा, दिल अंदर भी जीते, बाहर भी जीते, एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू बी अ विनर. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन हिम. हम तो चाहते ट्रॉफी किसी को भी दे दो, 3 हफ्ते जल्दी ख़त्म करो यार, भेजो केबी को घर. I think everybody is at that point where they just want to go home. And सच में मुझे लग रहा है कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन ट्रॉफी, जिसको ट्रॉफी देनी दे दो. But of course, I would like KV to win it because I think that we should have somebody who win the show जो डिजर्व करता है, जिसको हम देखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस किया, यू नो सब लोगों की रिस्पेक्ट की है और जिन्होंने जो पहले शायद शांत थे, क्वाइट थे और उनको पता चला कि when to speak up, when to be silent और ख़ुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है. जो रियल लाइफ में कभी ऐसे के भी थे नहीं, he was not like that. एंड जब हम घर के अंदर गई थी वो भी मुझे एटीट्यूड में थोड़ा चेंज दिख रहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा मैं नहीं होंगी उनको डिफेंड करने के लिए, उनको संभालने के लिए. यू नो मैं उनको बहुत स्पॉयल करती हूँ. सो पहले जब गए थे शो में मुझे थोड़े हेल्पलेस लग रहे थे, यू नो दैट वेयर माई. एंड उनको ऐसे टाइप बिहेवियर की आदत नहीं है जैसे कोई भी बोले यूर एन इडियट, यूर अ लूजर, ऐसे यू नो उसकी लाइफ में जब चाहे सेट पे हो, घर पे हो, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, पीपल डोंट स्पीक टू हिम लाइक दैट. सो आई थिंक थोड़े शॉक में थे कि ये कहाँ मैं आ गया हूँ. सो आई थिंक ही इज़ लर्न्ड अ लॉट कि अगर ऐसा सामने इंसान ऐसे कैसे उनको हैंडल कर. गेम यू नो हर बंदे का तरीका है गेम खेलने का. एवरीबडी इज़ प्लेइंग सेपरेटली. यू नो दीपक टास्क में मेहनत करता है, रोमिल सोचता बहुत है, आई थिंक कभी कभी ज़्यादा सोचता है, थोड़ा रिश्ते भी बना ले भी अच्छा होगा. वो सोचते बहुत है टास्क के लिए. सोमी ने स्मार्ट बहुत खेला है, यू नो अपने ग्रुप के सहारा लेके यहाँ तक पहुँच चुकी है. सो एवरीबडी इज़ प्लेइंग देयर ओन गेम इन देयर ओन वे. सो मुझे लगता है कि सब जो अपने एडवांटेज में है वो सब यूज़ करते हैं. सो दे ट्राइंग द बेस्ट.